नमस्कार प्रशिक्षुओं, ये आपका मैथ का 36 नंबर का क्लास है। यूपी टेट, सुपर टेट या फिर कहीं भी अदर टीचिंग एग्जाम में अगर आप देना चाहते हैं, मैथमेटिक्स वहाँ पे आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है आगे आगामी DSSB, KVS किसी भी एग्जाम में बैठना। पहले तो मैं उस चीज़ से स्टार्ट करता हूँ, कोई भी जैसे आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यह SICI का पहला क्लास है। SICI का पहला क्लास है, याद रखना। इसके पहले 36 नंबर का क्लास है यह मैथमेटिक्स का और SICI का पहला। इसके पहले मैं 5 टॉपिक कंप्लीट कर सका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं से पेड कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो कोई भी क्लास, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको हम जो है कि उसके आधार पर उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन कराते हैं। पहले कम से कम आप देख लो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए ले चलेंगे। देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई, जो SICI से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, तो वह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पहली बात है। और अब भी आगे भी आएंगे तो बहुत ही सिंपल आएंगे, आप आसानी से उसको हैंडल कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, है ना। और ज़्यादातर के क्वेश्चन SI से आते हैं, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज से ज़्यादा क्वेश्चन हमको यूपी टेट में देखने को भी मिलते हैं, अदर टीचिंग लेवल एग्जाम में भी। अगर SI से देखता है, CI से दिखता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से दिखता है, तो अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे। पहले मैं बेसिक देखूंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे जो भी क्लास आएगा आज के बाद, बेसिक के बाद, तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक बताएंगे हम। पहले बेसिक से, फिर उसके बाद ट्रिक पर आधारित, यानी कि आपको अंत तक वीडियो तो देखना पड़ेगा और सारे क्लास फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ SICI में क्या डिफरेंस है मेरे भाई, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। कम से कम 15-16 क्वेश्चन हैं आज के लिए प्रीवियस। देखिए, जो SI होता है, SI को ही कहते हैं साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कहते हैं। और ब्याज का मतलब यही होता है मेरे भाई कि जैसे आपने किसी से उधार लिया, तो एक साल के लिए लिया, तो मतलब मजबूरी है आपका लेना, तो आपको वो दोस्त बोलेगा कि जिससे आप ले रहे हो, वो बोलेगा भैया हमसे तो पैसे नहीं हमारे पास, तो आप कहोगे चलो अच्छा कुछ इंटरेस्ट ले लेना, कुछ ब्याज ले लो, मुझे बहुत ही अति आवश्यक है पैसे का, आप दे दो किसी, मैं आपको चुका दूंगा, बल्कि आप उसका ज़्यादा दे दूंगा आपसे। तो वही जो आप ज़्यादा देते हो ना, वही इंटरेस्ट है। वो बोलेगा एक साल बाद दोगे तो 10 रुपये में बढ़ा दूंगा, अगर 100 रुपये ले रहे हो तो 110 रुपये देने पड़ेंगे, 2 साल बाद दोगे तो 10 रुपये इंक्रीमेंट लगता रहेगा हर साल। तो हर साल पे साल, यानी कि हर साल जो दर बराबर होता है, जो रेट बराबर होगा, रेट यानी कि जो आपका ब्याज है, यानी कि दर, अगर दर वो लगाता है आपके 100 रुपये पर, हर साल 10 रुपये के हिसाब से ले रहा है, तो 5 साल बाद आप उसे कितना रुपए दोगे, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, यानी कि 150 रुपये आपने दिए, आपको देना होगा। जो आप 150 रुपये दे रहे हो, पहले तो जो आप उससे लिए वो होता है प्रिंसिपल, वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और जितना वो इंक्रीमेंट कर रहा है, 10 रुपये इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ये आपका ब्याज हुआ, चाहे जिस प्रकार का ब्याज हो, यानी कि यहाँ पे साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो साधारण ब्याज यानी कि SI होगा, साधारण ब्याज होगा। कितना ले रहा है हर साल, 10 रुपये ले रहा है, 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, मतलब उससे आप जितना ले रहे हो पैसे, वह 100 रुपये हो गया, यानी ठीक है ना, यानी कि साधारण ब्याज, यानी कि धनराशि, इसे कहते हैं धनराशि। अब आपने 10 रुपये हर साल दे रहे हैं उन्हें, उनको 10 रुपये देना होता है हर साल में, तो बताओ जब आप दे दोगे एक साल बाद उसे, कितना रुपये देना होगा, 110 रुपये। जो 110 रुपये आप दोगे ना, यही हमारा क्या होता है मेरे भाई, यही हमारा होता है मिश्र धन, इसे कहते हैं मिश्र धन, यानी अमाउंट कहते हैं, यानी कि टोटल लास्ट में आपने उसे 110 रुपये दिया। तो आपको पहली बात वो चीज़ें कन्फ्यूज न करें कभी क्वेश्चन लगाते वक्त, क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो आपको, आपने एक साल बाद दिया तो ये आपका टाइमिंग हो गया, यानी कि आप एक साल बाद, मतलब किसी से 100 रुपये लिए, अब एक साल बाद यानी कि एक वर्ष में आपने इंक्रीमेंट 10 रुपये के हिसाब से सालाना लग रहा है, आप उसे कितना लौटा रहे हो, 110 रुपये लौटा रहे हो। जो 110 रुपये लौटा रहे हो वो मिश्र धन होगा, आपका अमाउंट होगा। 10 रुपये हर साल बढ़ रहा है तो आपका ब्याज यानी कि साधारण ब्याज हो गया, और 100 रुपये आप उससे लिए थे पहले तो प्रिंसिपल यानी कि धनराशि हो गई, और एक साल बाद समय दे रहे हो तो टी, यानी कि इसमें सिंपल सा क्वेश्चन जो लगता है साधारण ब्याज पे मेरे भाई, साधारण ब्याज के लिए एक फार्मूला याद रखना, SI इज इक्वल टू PRT बटे के 100। इस फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन मैं बेसिक से ही कराना स्टार्ट करूँगा, पहले फार्मूला बताऊँगा। और जो मिश्र धन निकालना होता है, मिश्र धन के लिए आप क्या करोगे, मिश्र धन के लिए जो फार्मूला होगा, मिश्र धन के लिए बराबर क्या हो जाएगा भाई, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ए बराबर जो प्रिंसिपल आपका होता है, जो आपका धन राशि होती है पी,
उसमें SI जब जोड़ देते हो ना, देखना जब हमने 10 रुपये जोड़ा तो 110 रुपये हो गया मिश्रधन, ठीक है ना। तो ये आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता है। तो ये दोनों फार्मूले अक्सर आपको यूज करने को मिलेंगे इसमें। बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा, कभी आपको P पूछ लेगा RT और SI देकर, कभी आपसे R पूछ लेगा PT SI देकर, कभी आपको अमाउंट दे देगा SI पूछ लेगा। इस तरह से आपको मतलब कि एक कोई उसमें नोन होगा और कुछ और सारे के सारे डाटा नोन होंगे। तो इस तरह से हमको देखना है, ठीक है ना, बहुत ही साधारण भाषा में। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ बना लेते हैं कि साधारण ब्याज और CI में क्या डिफरेंस है, साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, जो साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज जो होता है वह हर साल क्या होता है, बराबर बराबर इंक्रीमेंट होता है। जैसे किसी दोस्त, प्यारा सा दोस्त है, कोई आपका रिलेटिव है, खास दोस्त है जिसे आप खोना नहीं चाहते कभी, वो भी आपको खोना नहीं चाहता कभी, ऐसा लगाव हो लेकिन वो मजबूर है कि रेट लगाएगा क्योंकि आप बदमाश हो, पैसे दोगे नहीं उसको। ऐसे जब तक वो इंक्रीमेंट नहीं लगाएगा, पैना नहीं कर देगा आपको कि भैया हमारे पास पैसे कम थे, हमने आपको 100 रुपये दिए उसमें से, अब आप हमें पैसे वापस नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार की अगर है कि भाई इतना प्रेम है कि पैसे ले लेने के बाद दे ही नहीं रहे हो, तो इस वजह से वो इंक्रीमेंट लगाएगा जिससे आपको हर साल आभास हो, अरे उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, 10-10 रुपये बढ़ रहा है हर साल। तो हर साल जो 10 रुपये बराबर बराबर बढ़ रहा है ना, वही साधारण ब्याज होता है। हर साल बराबर बराबर बढ़ना, ठीक है। आपने उससे 100 रुपये लिया था, एक साल बाद 10 रुपये बढ़ा, फिर अगले साल कितना हो गया, एक साल बाद 110 रुपये हो गया, फिर लेकिन एक साल बाद फिर 10 रुपये बढ़ा, दूसरे साल कितना हो गया, पहले साल 110 रुपये हुआ, दूसरे साल 120 रुपये हो गया आपका। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है केवल 20 रुपये आपने 2 साल बाद दिया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो मिलाकर अमाउंट कितना हो गया, 120 रुपये। लेकिन अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पे बात करें मेरे भाई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। मान लीजिए आपका कोई घटिया सा दोस्त है ना, जैसे बैंक रेट जो होता है वह चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है, CI ही होता है। क्योंकि अगर आप ब्याज पे ब्याज लेने लग जाओ, जैसे कि 100 रुपये हमने उसे दिया, अब देखना पहले देख लीजिए, 100 रुपये हमने क्या लिया भैया, किसी दोस्त से लिया। अब वो दोस्त कहा कि हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसे देंगे, भाई तुम लौटाते नहीं हो जल्दी, तुम्हारे ऊपर बर्डन डालेंगे तब तुम समझोगे। तो एक साल बाद वो हर साल 10-10 रुपये ले रहा है उससे, हर साल 10 रुपये के रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है उसे। यानी कि 100 रुपये पे 10 रुपये ले रहा है तो 110 रुपये हो गया। तो 110 रुपये पे कितना लेगा, तो इसके पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। 10 रुपये 100 रुपये पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, 10% ले रहा है, 10% वह हर साल इंक्रीमेंट कर रहा है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अब इस बार आपका 110 रुपये पर लगेगा। आपने साधारण ब्याज पे देखा था कि 10 रुपये से फिर 10 रुपये बढ़ा, फिर तीसरा साल आता है फिर 10 रुपये बढ़ता है, 130 रुपये होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पहले साल तो आपका बराबर होगा, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगले साल से उल्टा होने लगेगा। मतलब कि एक तरह से ब्याज पे भी ब्याज लगने लगेगा, 110 रुपये पे भी 10% का ब्याज लगा हुआ, 110 रुपये का 10% निकालेंगे तो 11 रुपये आएगा। देखना 110 11 आता है, कितना आता है देखना, 110 का सॉरी 10% निकालना, 110 का 10% निकालिए, कितना आ गया, 11 रुपये आ गया। ये 11 रुपये अब आप इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, 110 में 11 जोड़ोगे तो 121 आ गया। तो देख रहे हैं दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज में हमें कितना मिला, 121 रुपये, लेकिन साधारण ब्याज दूसरे साल 120 रुपये ही मिला था। यानी कि जाहिर सी बात है चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ब्याज पे ब्याज लेगा, जो ब्याज दिए रहोगे आप पहले साल उसका भी ब्याज लेगा। यानी कि 10 रुपये जो ब्याज बढ़ा आपका ना पहले साल, उसका भी ब्याज यानी 121 रुपये। तो यह अंतर होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई वो ब्याज पे ब्याज होता है, और जो साधारण ब्याज होता है वो केवल ब्याज होता है। ब्याज का मतलब कि हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इसमें ब्याज पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यह चीज़ें दिमाग में हो गई होंगी तो इसको नोट कर लेना, और यह चीज़ें हमेशा आती हैं एग्जाम में, तो इसको भी हो सकता है कभी थ्योरी में पूछ ले, क्योंकि बहुत ही साधारण सा न्यूमेरिकल है, हो सकता है पूछ ले, तो इसको आप नोट कर लेना। अब हम आ जाते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखना। बस आप देखते तो चलो दिमाग में ऐसे ही घुस जाएगा, ऐसे जाकर आपके दिमाग में डाटा एंट्री की तरह सेटअप हो जाएगा मेरे भाई ना, तो आप सोचोगे भी नहीं। बस आप लास्ट तक देखना सारी चीज़ें, बस समझते हुए चलना, नोट करना, और हमारे तरफ से अगर भाई मानते हो तो एक काम और कर लेना, प्रैक्टिस करना प्लीज़ प्रैक्टिस, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर, वह धनराशि हमें नहीं पता है यानी प्रिंसिपल नहीं पता है हमें, किसी धनराशि पर 3 सही 1/2% प्रतिवर्ष
कि 10 से 4 वर्षों में साधारण ब्याज जो जितना हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 70 रुपये। तो पहले मैं यह बताऊंगा ना, आज आपको कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक बताऊंगा लेकिन आप बने रहोगे, आगे जो वीडियो आएंगे उसमें ट्रिक बताऊंगा, देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो पहले तो लगाओ फार्मूला PRT/100। या PRT क्या है भाई, किसी को दिमाग में कन्फ्यूजन हो तो मैं पहले से डाउट क्लियर कर दिया था, अब आप प्रीवियस जाकर देख लो, नहीं तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ भाई आपके लिए ही तो आया हूँ। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, और टी का मतलब टाइम। ठीक है, टाइम ईयर में होगा, इस बात को याद रख लेना बस। अगर ईयर में नहीं है तो आगे मैं बताऊंगा कैसे, अगर दिन में दिया रहता है तो कैसे उसको ईयर में बदलते हैं, महीने में दिया रहता है तो कैसे उसको साल में बदलते हैं। ठीक है, आगे बताते चलेंगे। SI कितना दिया है, 70 रुपये दिया है। धनराशि देखो, बोल तो रहा है साधारण ब्याज की धनराशि 70 रुपये होगी, साधारण ब्याज की धनराशि 70 रुपये होगी, तो 70 रुपये आप SI के प्लेस पे लिख दो। देखो बहुत तेजी से करना है हमको, किसी धनराशि पर 3 से 1/2% प्रतिवर्ष, किस धनराशि पर, किसी धनराशि पर, यानी कि वह धनराशि P हमने ले लिया। R की वैल्यू कितनी है, रेट 3 से 1/2, यानी 2, 3, 6, 7/2 लिख सकते हैं, 7 हमने ऊपर लिख दिया, 2 नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और जो ये 7/2% है ना, प्रतिशत वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत लाभ करेगा आपको, ठीक है ना, ट्रिक बताऊंगा तो वो लाभ करेगा। 7/2% का मतलब जैसे परसेंट हटता है नीचे 100 ले लेता है, तो यह वाला जो 100 है ना वो परसेंट के लिए ही आया हुआ है। और टी की वैल्यू कितनी है, कितने साल में भाई, 4 साल में, तो 4 लिख दो बस, सॉल्व कर लेना इसको। 2 × 1 = 2 × 2 = 4, 2 से 35 बार में गया, 7 × 1 = 7/35, 100 × 5 में कर लो, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, बताना। तो यह क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस में, तो बताओ आसान सा लगेगा ना, बस देखते चलना मेरे भाई, बहुत ही आसान हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखना, नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है, यह प्रश्न भी पूछा गया था किसी न किसी एग्जाम में आपके, किसी न किसी सेट में, प्रीवियस सेट में। तो यदि 1 रुपये का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपये बन जाता है, पहले देखना, पहले आप फार्मूला लिख लो SI = PRT/100। और दूसरी बार यह खोजो कि इसमें क्या निकालना है हमको। यदि 1 रुपये का 60 वर्ष में सरल ब्याज दे दिया है 9 रुपये, भाई 60 वर्ष में कोई धन तो बढ़ेगा। अब आप यह मत सोचने लग जाना कि सर जो हम उससे पैसे ले रहे हैं वही बड़ा है, जो ब्याज आएगा वो छोटा आएगा, नहीं। ब्याज बड़ा कब होगा आप खुद सोचो, जब वह 10 रुपये हर साल ले रहा है आपसे, आप उससे 100 रुपये लिए, आपसे वह 10 रुपये हर साल इंक्रीमेंट करा रहा है, यानी ब्याज ले रहा है 100 रुपये पे। अब उसे आप 20 साल बाद जब वापस करोगे तो खुद सोचो, अगर 20 साल बाद वापस करोगे तो उसे 200 रुपये ब्याज दोगे, भाई हर साल 10 रुपये दे रहे हो तो 10 साल में 100 रुपये दोगे और 20 साल में 200 रुपये उसको एक्स्ट्रा दोगे, उसका 100 रुपये तो लौटाओगे ही लौटाओगे, उस पर 20 साल का जो ब्याज लगाया है हर साल 10 रुपये के रेट से, 200 रुपये वो भी जोड़ कर दोगे उसे। यानी कि यह दिमाग में नहीं बैठना चाहिए हमारे कि साधारण ब्याज हमेशा धनराशि से कम होता है, नहीं, जो ली गई धनराशि है उससे ज़्यादा हो सकता है ब्याज। किस कंडीशन में, जब आप टाइम ज़्यादा लगाओगे उसे पैसे वापस करने में, लौटाने में, समझ में आया ना। तो इस चीज़ को देखना जरा कि भाई यदि 1 रुपये आप उससे ले रहे हो और लौटा कितना रहे हो 9 रुपये, भाई 9 रुपये साधारण ब्याज हो रहा है, यानी 10 रुपये लौटाओगे 1 रुपये जोड़कर, यानी कि आपका ब्याज ज़्यादा हो गया, यानी कि आपने ज़्यादा वक्त ले लिया है उसे पैसे देने में, बस हो गया काम। तो SI कितना है, 9 रुपये है। पी कितना है, आपने 1 रुपये लिया था उससे तो 1 रुपये। आर कितना है भैया, आर ही तो निकालना है, ब्याज दर क्या होगा, दर क्या होगा, दर बताना है, तो आर। अब उड़े टी मतलब कितना समय ले रहे हो, 60 वर्ष का समय ले रहे हो, 60/100, बस भैया 0 0 से कट गया, 2 × 3 = 6 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 9 हो गया, 5 × 3 = 15, यानी आर की वैल्यू देख लो 15%। अगर आप किसी से 1 रुपये लेते हो तो वह 15% रेट लेता है, अब उसे आप 60 साल बाद जब लौटाओगे ना तो 9 रुपये लौटाओगे एक्स्ट्रा, 1 रुपये उसका और एक बार 9 रुपये। अब 1 रुपये एक्स्ट्रा वह जो उससे लिए रहोगे वह वाला वैल्यू मान, उसके बाद 9 रुपये एक्स्ट्रा दोगे उसको, यानी 9 रुपये साधारण ब्याज दोगे, तो बताना अमाउंट कितना होगा। मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर हमने बताया प्रिंसिपल प्लस जो आप पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हो ब्याज रूप में। तो कितना लिया था, 1 रुपये लिया था, कितना लौटा रहे हो ज़्यादा, 9 रुपये ज़्यादा, यानी कि टोटल उसे 10 रुपये दे रहे हो, तो यही हमारा मिश्रधन होगा, यानी अमाउंट होगा। ठीक है ना, इसको नोट करना, बताना चीज़ें पहले समझो, तब मैं इंक फिल कर लूँ, बताना जरा आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत ही आसान वे में। देखिए बहुत ही हम इजी वे में लेके चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसान लेवल से हम लेके चल रहे हैं बच्चों, उसमें आपको
थोड़ा तनिक भी मैं संदेह नहीं छोड़ूंगा कि आपको थोड़ा सा भी डाउट रह जाए। एक मिनट देना बस मुझे, एक सेकंड, एक मिनट तो बहुत ज़्यादा होगा, बस एक सेकंड देना मुझे। शाही थोड़ी जम जाती है ना बच्चों, कई दिनों से खोलने, अगर ना खोला जाए इस डिब्बी को तो मेरे भाई, बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, एक मिनट, अपने भाइयों को भी जोड़ने का प्रयास करें आप, बस मैं यही कहूँगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से आपके हर भाई को समझ में आएगा। आप उसे उनको शेयर करिए चीज़ें, और उनसे बोलिए कि पेड क्लास लेने की क्या आवश्यकता है जब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो मैथ में दावा करते हैं, CDP भी हम स्टार्ट कर दिए हैं, उसको भी आप देखते चलिए, ठीक है ना। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, या तीसरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। देखना यह प्रीवियस है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक। आज मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, तब मजे आ रहे होंगे आपको। देखना, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का मान में 40% की वृद्धि होगी। आप खुद सोचो, किसी धन के मान में 40% की वृद्धि का मतलब क्या है? मतलब अगर कोई धन मतलब पी अगर 100 रुपये है, तो इसमें 40% की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई। यानी कि 40% का वृद्धि का मतलब क्या भाई? जो अमाउंट रहा होगा हमारा, वह 40% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 रुपये तो पहले से रहेगा, और 100 का 40% का मतलब 40 रुपये और बढ़ गया, यानी कि 40 इसमें ऐड करोगे, यानी 140 रुपये हो गया। अब कहोगे सर जी यह 100 रुपये कहाँ से आया? तो 100 रुपये बचवा आप कहीं से भी कुछ भी करके, मान लो 100 रुपये माना जाता है, हर बार 100 रुपये माना जाता है, आप कुछ भी मानोगे वैल्यू सेम आएगा, 2 रुपये भी मानोगे तब भी मान सेम ही आएगा। तो हमने आसानी से प्राप्त करने के लिए मान को 100 रुपये मान लिया प्रिंसिपल, जैसे 100 रुपये प्रिंसिपल माना, अमाउंट कितना है बोल रहा है कि 40% बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है, उसको जब आप वापस करते हो तो जो वृद्धि हुआ है या 40 ना, यही तो है हमारा SI भाई, SI ही तो बढ़ाता है वैल्यू को। SI में अगर प्रिंसिपल जोड़ते हैं तो अमाउंट बनता है, मिश्रधन बनता है। यानी कि अगर हम बात करें SI कितना है यहाँ पर साधारण ब्याज, तो आप कहोगे 140 माइनस 100 यानी कि 40 रुपया है। बताना चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना, मैंने फिर समझाने का प्रयास करता हूँ मैं एक बार। अगर आपको बोला गया कोई 100 रुपये देता है, 100 रुपये पर 40% इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि अमाउंट आपको 140 रुपये आप वापस करते हो, 40% ज़्यादा वापस करते हो, तो कितना बढ़ा? 40 बढ़ा, तो वही 40 जो बढ़ा है ना, वही हमारा साधारण ब्याज है। अब बोल रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, यानी कि समय ज्ञात करना है आपको। मैंने बोला था जो जो ज्ञात करना, पहले जो पूछ रहा है उसको पहले पता कर लो। रेट दिया है 5%, आर की वैल्यू 5 दिया है, तो बस PRT/100 बराबर में SI मान रखो। पी की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये आपने मान लिया, कितना मान लिया आपने? 100 रुपये मान लिया, देखना जरा, 100 रुपये मान लिया। और आर की वैल्यू कितनी है? 5 है। टी की वैल्यू नहीं पता, 100 बराबर। SI की वैल्यू कितना भाई? SI की वैल्यू 40 है, 40 काटम पीटम मचा दो, कटम 5×8=40, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगा। एक तो आप इस तरह से कर सकते हो, और एक तो सोचा जा सकता है किसी चीज़ को। देखो कैसे सोचते हो आप, देखना सोचने का तरीका मैं बताता हूँ। आप खुद सोचो, अगर आप मार्केट में जाते हो, आपको कोई ठगता है कोई सामान, तो आप उसको तुरंत बोलते हो, अरे कैसे भैया साहब ज़्यादा ले रहे हो, अभी तो पिछला वाला दुकान वाला जो था वो कम ले रहा था, आप हमसे 2 रुपये ज़्यादा ले रहे हो। तो आप कैसे पता करते हो भाई? किसी दाम को पता करते हो तभी तो पता चलता है, हाँ 2 रुपये ज़्यादा ले रहा है, यानी कि हमसे इतना ठग रहा था, है ना। इसी प्रकार से आप देखो खुद, अगर कोई वैल्यू 100 रुपये है और बाद में वो 40% इंक्रीमेंट हो जाता है उसका, जब 40% बढ़ जाता है, यानी कि 100 पे वो 40 बढ़ा, कितना बढ़ा? 100 पे 40 बढ़ा, 100 पे 40 बढ़ा, तो बताओ ना मेरे भाई, जब 100 पे 40 बढ़ा तो कितना परसेंट बढ़ा? तो भैया 5% बढ़ा, 40% बढ़ा, 40% बढ़ा और 5% वार्षिक साधारण ब्याज लिया। 5% वार्षिक साधारण ब्याज कितने पे? कितने पे भाई? कितने पे बताना जरा, कितने पे? अगर मैं कह दूँ 5% वार्षिक साधारण ब्याज, 40 बढ़ा था 100 पे, तो यक्स कोई वैल्यू रही होगी, उसका 5% ही तो लिया हुआ। बस भाई 40 बढ़ा 100 पे, आप खुद सोचो 40% बढ़ा 100 रुपया पे, 100 रुपये पे 40 बढ़ा, और कोई जो वैल्यू थी ना आपके पास, उसका मतलब जो समय है आपके पास, समय गुड़े, तो जो वैल्यू थी आपके पास उसका 5% / 100 कर दो,
5% / 100 या जो समय है कितने समय में बढ़ा, तो आपको यह निकल के आ जाएगा कि भाई 40 या 100 से चला गया, 5 × 40 यानी कि x बराबर 8। इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहला वाला नियम सही लगा हमें, आप उसी से करेंगे, है ना। चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं, हम और क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को सोचें, थोड़ा सा सोचें, फिर उसके बाद हम और क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, बताइएगा। चलिएगा, अब देखिए कुछ और प्रश्न आपके सामने हैं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं और प्रश्न को देखें। जो प्रश्न बच्चे जो बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं उनके लिए, और मैक्सिमम बच्चे तो लगा ले रहे होंगे, यही टारगेट है हमारा कि मैक्सिमम की कंडीशन में आप भी आ जाओगे, ठीक है ना। बस देखते चलना हमारी चीज़ों को, हम जैसे जिस प्रकार से लगा रहे हैं, इसके लिए ट्रिक भी बताएंगे आपको, लेकिन ट्रिक विशेष रूप से हर जगह काम नहीं आते ना, तो सिंपल पहले सीख लीजिए सादा कैसे हम बेसिक लगाते हैं। पहला प्रश्न आज इस बोर्ड का देखिएगा, कितने वर्षों में 8000 रुपये, पहले समझिए, 8000 रुपये 3% सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज की दर से उतनी आय देगा, यानी अमाउंट जो आए, सॉरी अमाउंट, अमाउंट का मतलब SI में समझिएगा, अमाउंट का मतलब SI और प्रिंसिपल जोड़कर, उतना आय देगा जितना 5 वर्षों में 4% सरल ब्याज की दर से 6000 रुपये देगा। यानी कि दोनों का SI बराबर में आएगा, उतना ही SI इस पे भी आप दोगे, उतना ही SI इस पे दोगे, दोनों का साधारण ब्याज बराबर कर लो, यानी कि 8000 रुपये पर 3% के रेट से कितने वर्षों में आय, मतलब साधारण ब्याज, पहले साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, उतना बराबर हो जाएगा या फिर उसके बराबर हो जाएगा जो 5 वर्ष में 4% के रेट से 6000 रुपये पर आय देगा। बस यही चीज़ बोला जा रहा है, फिर से समझना है, समझिए। कुछ वर्षों में यानी कि टी समय में 8000 रुपये पर 3% पर जो आय मिलेगा, वही आय 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज पर 6000 रुपये का होगा, यानी कि दोनों बराबर में होंगे। बस कुछ नहीं करना है, अब कटम पिटम मचाइए। अगर हमको करना होता तो इसका उत्तर डायरेक्ट हम क्या बताते, 5 बताते, कितना बताते, 5 बताते, 3 × 6 4 × 8 यानी कि टी बराबर 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष में 8000 पर 3% के रेट से जो आय मिलेगा, वही सेम आय 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6000 रुपये का होगा। तो बस हो गया 5 वर्ष हमारा, बताओ इसमें कुछ दमखम था, कुछ भी नहीं था मेरे भाई, बस आप लगते चलना और लगे रहना। अगर आपको सीखना है कोई चीज़, हार न मानना, दुनिया तो कुछ भी कहती है, हैं, दुनिया का काम है कहना। एक चींटी भी जब एक दाना लेकर चलती है तो कई बार गिरती है, लेकिन वह चढ़ना छोड़ नहीं देती है, गिरती है चढ़ती है, गिरती है चढ़ती है, एक बार ऐसा आता है कि वो दाना लेकर पूरी दीवार पर चढ़ जाती है। सोचो यानी कितना संघर्ष किया, तो एक चींटी सी, नन्ही सी चींटी से तो आप सीख मनाओ अपना। ठीक है भाई, इस प्रश्न को देखना, 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। ध्यान से देखना, इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा लगेगा आपको। यदि ब्याज की दर, जो बच्चे नए होंगे उनके लिए, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी, यानी कि पहले तो ब्याज हमको निकालना है। हमको क्या दिया है, अमाउंट दिया है 480 रुपये, अमाउंट 480 रुपये दिया है भाई। इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं बस अभी बेसिक बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराने लग जाऊँगा ना बेसिक बताकर, तब देखना कल परसों से आपको चुटकी में देखते ही ऐसे क्वेश्चन को लगाओगे। 480 रुपये अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना है आपका, 400 रुपया है। तो हमने तो बताया था भाई अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है पी प्लस SI, यही होता है। और अमाउंट की वैल्यू 480 है और पी की वैल्यू 400 है, तो 400 इधर करोगे तो 480 में से माइनस करोगे तो SI आ जाएगा, तो साधारण ब्याज 80 रुपया आ गया भैया, यहाँ से आ जाएगा ना। अब 4 वर्ष लग रहा है, यानी कि समय भी आपके पास दिया हुआ है, कितना, 4 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले ब्याज बता दो, ब्याज नहीं दिया है, ब्याज बताओगे। अब जो ब्याज आएगा ना, उसमें 2% की इंक्रीमेंट लगा के, 2% जैसे इंक्रीमेंट करोगे ब्याज पे, आपको खुद समझ में आना चाहिए, जब 2% का इंक्रीमेंट होगा ब्याज पे, क्योंकि आपको ब्याज 80 रुपये है, कितना रुपये है, 80 रुपये है। अब 80 रुपये पे 2% बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, 2 रुपये बढ़ेगा, कि 2% किसका बढ़ेगा भैया, 400 का 2% बढ़ेगा,
400 का अगर आप 2% बढ़ाते हो, क्योंकि 80 तो कोई अपने आप में परसेंटेज रहा होगा, कोई भी परसेंटेज अपने आप में रहा होगा, 400 का देखो पहले ध्यान से देखो, 400 का कितना परसेंट, 2% तो कितना होगा, आठ रुपया आपने बढ़ा दिया, यानी कि 88 रुपये बढ़ा। 88 पर 400 निकालोगे, 4 × 8, 4 × 8 इस प्रकार से निकल कर आएगा ब्याज। लेकिन यह सिंपल तरीका नहीं है, यह थोड़ा सा समझ के लिए है, जो बच्चा समझ रहा होगा साधारण ब्याज ब्याज क्या है, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं उसको बेसिक से देखना। टी 4 वर्ष में SIB दिया है हमारे पास 80 रुपये, हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब पहले रेट निकालते हैं, तो SI इज इक्वल टू PRT बटे के 100। तो SI की वैल्यू कितना है, 80 है, P की वैल्यू कितना है, 400 है, तो बताओ R कितना आ गया, R बताना कितना, T दिया है ना भाई, T कितना दिया है, T दिया है 4 वर्ष, देखो यहाँ पे बटे 100, तो काटो पीटो, 4 × 8 = 20, 4 × 5 = 20, यानी कि 5 हो गया। R की वैल्यू कितनी आ गई, रेट आ गया 5%। अब बोल रहा है कि अगर 2% बढ़ा दिया जाए, जब 2% बढ़ा दिया जाए यानी कि 5% से 7% कर दिया जाए तो बताओ ब्याज कितना होगा। यानी कि जहाँ पे आपने R की वैल्यू क्या रखनी है, तो क्या बताना है, वो ब्याज बताना है इस बार, ठीक है ना, ध्यान से देखना। मैं इसको इरेज करूँगा ऊपर वाला, फिर बताऊँगा आपको, इसको नोट करते चलना आप सभी। अब इस बार आपका जो रेट है 7% इंक्रीमेंट हुआ, तो बताओ साधारण ब्याज में कितनी वृद्धि होगी। साधारण ब्याज कितना रुपये था, 80 रुपये था, P की वैल्यू कितनी थी, 400 रुपये था भैया, R की वैल्यू इस बार 7% हो गया, साल कितना, उतना ही साल जितना पहले आप ले रहे थे, कितना साल ले रहे थे, 4 वर्ष ले रहे थे, तो 4 अभी भी ले लो। तो इस बार 80 दिया नहीं है, 80 ये बताना है हमको, क्योंकि 7 हो गया ना इस बार रेट 7 हो गया, तो बताओ SI कितना आएगा, बता दो भाई, 7 × 4 = 28, 28 में गुणा 4 का करो, 4 × 8 = 32 को 2 कैरी 1, 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 11, यानी कि 112 रुपये SI आ गया। तो आपसे पूछा अमाउंट बताओ, या फिर अमाउंट अगर पूछा होगा तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, 400 में जो प्रिंसिपल था उसमें 112 रुपये ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 512 रुपया, या तो अमाउंट आएगा, मिश्र धन आएगा। लेकिन अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा होगा 2% इंक्रीमेंट के बाद, तो 112 रुपये हो जाएगा। 80 से कितना बढ़ गया भाई, 32 रुपये बढ़ गया, 32 रुपये जो बढ़ा है वही 2% की वैल्यू है। इस प्रकार से कर सकते हो, जैसे कि 400 का अगर 2% निकालो तो कितना आ रहा है, देखना जरा, 400 का 2% कितना आ रहा है भाई, 4 × 8 = 8 आ रहा है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, देखिए 1 साल के लिए 8 आया, 400 का, देखना जरा आसानी से, एक तरीका और है मैं बता रहा हूँ, 400 आपके पास है प्रिंसिपल, 400 का कितना परसेंट भाई, 2% निकालो, 1 साल का आप निकाल रहे हो अभी, लेकिन 4 साल का हमें चाहिए, तो 4 का गुणा करोगे, 1 साल का इतना है, तो 4 साल का 4 का गुणा, तो 4 × 8 = 32, तो 32 रुपये आपने बढ़ाया, किस पर बढ़ाया, पहले साधारण ब्याज 80 रुपये था, अब आपने बढ़ा दिया 32 रुपये, तो अब कितना हो गया, 112 रुपये। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, साधारण ब्याज 112 रुपये आएगा। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 400 पे 112 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 512 रुपये हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए, बहुत ज़्यादा लोड मत लेना भाई, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट समझ में आएगा, फिर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट समझ में आएगा, कब तक नहीं समझ में आएगा, चीटी वाली कहानी फिर से सुनानी पड़ेगी या फिर कहानी ही सुनते रह जाओ। चलो आ जाओ इस पे। साधारण ब्याज की दर से 675 का 4 वर्षों में 837 मिश्र धन हो जाता है, यानी कि 675 रुपये है, 4 वर्ष में आप कितना मिश्र धन देते हो, 837 रुपये देते हो। तो हम आपसे पूछें SI बताओ, तो SI के लिए आप क्या किए थे पिछली बार, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किए थे, तो अमाउंट कितना है मिश्र धन, 837 रुपये है, 837 रुपये है, प्रिंसिपल कितना था, कितना है 675 रुपये, माइनस करो, 7 में से 5 जाएगा 2, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1, भाई देख लो फिर से, 5 × 2 = 7, ठीक है, 6 × 6 = 12 = 13 + 3 = 1 = 7 = 8, ठीक है, यानी कि 162 रुपये हो गया आपका क्या SI, SI 162 है, तो प्रिंसिपल कितना दिया हमें, प्रिंसिपल दिया है भाई कितना, 675 रुपये दिया है, ठीक है, और 4 वर्ष यानी समय दिया है, टी जो दिया है 4 वर्ष दिया है। पूछ क्या रहा है, ब्याज की दर 2% घट जाए इस बार, तो पहले दर निकाल लेना, दर देखो बेटा, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, पहले 2% घटाना है ना, साधारण ब्याज आपके पास कितना है, 162 रुपया है, तो एक ट्रिक जो मैंने बताया अभी फिलहाल में उसके हिसाब से देखना, आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 675 है, तो 675 का पहले 2% निकालो, कितने साल के लिए निकालना है मुझे,
चार साल के लिए 2% निकालो, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको सिर्फ। 25 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 25 दूनी 50, बचा कितना 12, 12 बचा तो 25 पचे 125, ये आ गया। अब 4 से 4 चला गया, 25 दूनी 50, यानी कि 4 साल में 50% जो बोला 2% घटाने के लिए ना, जो ये 50 आया है इस 675 में से 50 माइनस कर दो, सॉरी 675 में से नहीं, 162 में से, सॉरी 675 तो आया है भैया, 675 का 50, 2% आपने निकाला 4 साल का, तो बोला 2% जो घटा बढ़ रहा है ना, 2% आप माइनस कर दो, पहले जितना ब्याज था, पहले जितनी इसकी ब्याज थी उसमें से 2% माइनस करके बताओ कितना ब्याज है। तो आपने देखा पहले ब्याज 162 रुपये था, अब भैया 2% आप माइनस कर रहे हो, 2% की वैल्यू 4 साल का इतना है, या 4 साल का आपका ब्याज है, तो 162 में से 50 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 112 रुपया आ जाएगा। ये 112 रुपया जो है मेरे भाई, यही इसका उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा है राशि, राशि जब पूछा है तो 675 में ये 112 ऐड कर दोगे, 5 2 7 7 1 8 और 6 1 7, 787 रुपया हो जाएगा। यह तो रहा साधारण तरीके से आपने निकाल लिया, लेकिन फार्मूले से चलते हैं, तो फार्मूले से देखना, फार्मूले से देखना। अब पहले हमको क्या करना है, पहले हमको R निकालना है, तो R के लिए SI इज इक्वल टू PRT/100, तो SI की वैल्यू कितनी है, 162 रुपये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। P की वैल्यू कितनी है भाई, P की वैल्यू 675 रुपये है, गुड़े R की वैल्यू नहीं पता, R निकालना है, और T की वैल्यू बताना कितना है, T कितने साल के लिए भैया, 4 साल के लिए, तो 4/100, तो वही चीज़ है, इसको काटिए पहले, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 4 से चला गया, या 25 इधर आएगा, 25 इधर आएगा, तो R बराबर कितना होगा, R बराबर कितना होगा देखना, R बराबर 162/25 होगा, 162/25 या R की वैल्यू हो गई। अब बोला 2% घटा दिया जाए, 2% घटा दिया जाए, यानी कि 2 इसमें से माइनस कर दो, इसमें से 2 माइनस करो, पहले यह इतना परसेंट है, यह इतना परसेंटेज है, या परसेंटेज में आया है वैल्यू, या परसेंटेज में है, तो 162/25 माइनस 2 करो, माइनस 2% करो, तो 25 दूना 50, 162 में से जब 50 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा देखना, 112 रुपया आएगा, 112/25, 25 दूनी 50, 162 में से जब 50 माइनस करोगे 112/25, 112/25 क्या है, यह परसेंटेज है, रेट है घटाने के बाद। अब देखना, अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आप बताओ साधारण ब्याज अब कितना आएगा घटाने के बाद 2%, तो फिर से रखो वैल्यू सारा, अब इस बार क्या रखना है हमको, रेट की जगह 112/25 रखना है। एसआई की वैल्यू कितनी है, एसआई की वैल्यू कितनी भाई, 162 है, 162 बराबर। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है, एसआई की वैल्यू हमें नहीं पता है भाई, एसआई तो निकालना है, एसआई तो निकालना है। पी की वैल्यू कितनी है, 675, आर की वैल्यू 112 और नीचे 25 आ जाएगा, और एक तो 100 भी रहेगा नीचे, 100 भी तो रहेगा नीचे, क्योंकि परसेंटेज का। टी कितना, 4 साल, बस सॉल्व करो, देखो कितना आता है, सॉल्व करना इसको, 25 एकम 25 25 से कितने बार है, 25 दूनी 50 और 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 गया, बताना एसआई कितना आ गया, देख रहे हो ना 112 रुपया आ गया एसआई, यहां से साधारण ब्याज कितना आ गया, 112 रुपया आ गया, लेकिन पूछ रहा है धनराशि बताइए, तो धनराशि के लिए क्या करोगे, 112 आप ऐड कर दोगे किस में, प्रिंसिपल में, 112 ऐड करोगे प्रिंसिपल में, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 787, 7 7 1 8 6 7, यानी कि 787 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना, यह चीज़ें समझ में आ गया हो तो एक बार समझिए चीज़ों को, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। देखिए बहुत ही आसान वे में आपको समझाया जा रहा है सारी चीज़ें, तो समझिए, फिर और क्वेश्चन लेते हैं, समझिए समझिए, खुद से समझिए एक बार देखना। अब ये दोनों प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, देखना जरा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन जो है 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, पहले 20 वर्ष में कोई धन जो था वह किसी दर पर था, जिस दर पे भी था वह अपने धन का दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में, 20 वर्षों में। तो बोल रहा है इसी धन को तीन गुना होने में कितना समय लगेगा, तो पहले तो हम रेट निकालते हैं, रेट निकालते, देखिए पहले क्या बोला, यहाँ तक पहले पढ़ना, इसको भूल जाना, यह है भी कि नहीं है इसमें। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन, वह धन हम मान लेते हैं पी रहा होगा 20 वर्षों में, यानी कि हम मान लेते हैं वह धन जो प्रिंसिपल वो पी रहा होगा 20 वर्षों में, यानी कि समय कितना है 20, ठीक है,
दोगुना हो जाता है। क्या दोगुना हो जाता है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। यानी कि दोगुना का मतलब जो अमाउंट है ना वो कितना हो जाता है, 2p हो जाता है। तो बताओ SI कितना आएगा भाई? प्रिंसिपल को आपने पी को पी ही मान लिया है, अमाउंट 20 साल में 2p हो जाता है, तो SI कितना आएगा? हमने बताया था ना SI कितना आएगा, अमाउंट 2p माइनस प्रिंसिपल पी, तो बराबर पी आएगा, SIP आएगा। तो SI इज इक्वल टू PRT/100 हमने बताया था। SI की वैल्यू कितना है, पी है, पी की वैल्यू तो पी रहेगा ही रहेगा, वो तो है ही, वो अब माने ही हैं। आर की वैल्यू कितनी है भैया, आर निकालना है हमको, और टी कितना है, टी आपने 20 माना है, तो 20/100, या पी वाला पी से कैंसिल होगा, 20/100 होगा, तो आर की वैल्यू कितना आएगा, 5% आएगा। लेकिन फिर पूछ रहा है जो धन है पी, उसी धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, 3 गुना होने में। इस बार कितना गुना होना है, 3 गुना होना है। यानी कि पहले पी को आपने पी माना था, इस बार अमाउंट क्या हो गया, 3p हो गया। यानी कि SI कितना आएगा, तो 3p माइनस पी करोगे तो 2p आएगा इस बार SI, साधारण ब्याज इस बार 2p आ गया। तो बताओ रेट आपको पता है, 5% रेट पता है, तो बताओ भाई क्या बताना है हमको, हमको बताना है कि इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस बार टी बताना है हमको, क्या बताना है, टी बताना है। तो हो गया, देखिए हमको पता है कि SI इज इक्वल टू PRT/100, तो SI की वैल्यू कितनी, इसको इरेज कर दें, अब तो R निकालना था हमको, R हमारे पास आ गया है, देखना SI इज इक्वल टू क्या है, 2P। P की वैल्यू कितनी भाई, P की वैल्यू P आपने माना ही है शुरू में ही, R की वैल्यू 5% आया था अभी आपने देखा, और टी निकालना है, 100 कर लो, तो 100 5 से कटेगा, 5 × 2 = 10 = 20, पी से चला गया, 20 × 20 = 40, यानी टी की वैल्यू कितनी है, 40 वर्ष। तो आपने देखा अगर कोई भी धन अपने आप में 20 वर्षों में दोगुना हो जाता अपने आप का, तो बोल रहा है 3 गुना कब होगा। तो देख रहे हो आप, पहले 20 वर्ष में दोगुना हो रहा था, तो 40 वर्ष में 3 गुना, 4 गुना पूछता तो फिर से 20 वर्ष बढ़ा देते, कितना हो जाता, 60 वर्ष हो जाता। इस प्रकार से ट्रिक है मेरे भाई। तो ट्रिक को भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, जब सामने आ ही गया इस प्रकार का प्रश्न, तो अब ट्रिक के पीछे मत पड़ जाना, ये बेसिक आना चाहिए, बेसिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक ही लास्ट समय में पार लगाती नहीं है, आपको पता होना चाहिए ना। देखिए ट्रिक देखिए, पहले अगर बोला कोई धन पी है ना, वो 20 वर्षों में दोगुना हो गया, तो बताओ कितने साल में वो 3 गुना होगा। तो भाई 20 वर्ष लगाया दोगुना होने में, 20 वर्ष लगाया दोगुना होने में, यानी कितना बढ़ा, पी बढ़ा, पी ही तो बढ़ा है मेरे भाई। अब इसमें कितना अंतर है, 3p - 2p, ये भी तो पी का ही अंतर है। जब यहाँ पे पी बढ़ा है 20 साल में, तो आगे भी पी बढ़ेगा 20 साल में। तो हम बोले पी से 3p कितने साल में होगा, तो आप बोलोगे 20+20 यानी कि 40 साल में होगा। बताना चीज़ें समझ में आ गई हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे समझेंगे। अब इसी प्रकार से अगर 4 वर्ष पूछ लेता, 4 गुना हो जाए, तो 4 गुना वाला भी देख लेते हैं, देखना कैसे। अगर कोई धनराशि पी है, तो यह 20 साल बाद 2p हो गया, दोगुना हो गया खुद का, 20 साल बाद दोगुना हो गया। बोला है कि 3 गुना कितने साल बाद होगा, 3 गुना कितने साल बाद होगा, फिर 4 गुना कितने साल बाद होगा, हमसे यही पूछा है ना 4 गुना। भाई जब इसके बीच में दो, मतलब कि पी का अंतर है 2p - p, तो पी आएगा, इसके बीच में 3p - 2p, तो पी का अंतर है, 4p - 3p, पी का अंतर है। तो जाहिर सी बात है जब समान समान अंतर है, तो ईयर भी समान समान इंक्रीमेंट लगेगा। तो पी से 2p होने में 20 साल, 2p से 3p होने में 20 साल, 3p से 4p होने में 20 साल, यानी कि हर बार pp ही बढ़ रहा है। जब बराबर बराबर इंक्रीमेंट लग रहा है, तो हर साल हर बार 20-20 साल बढ़ेगा। यानी कि अब डायरेक्ट पूछे आपसे कि पी से 2p होने में कितना समय, मतलब 20 साल लग रहा है किसी दर पर, कोई धन किसी धन का 2p हो जाता है 20 वर्षों में, तो बताओ वही धन 4p कितने सालों में होगा सेम रेट पर, समान दर पर। तो आप बताओगे भाई पी से जाना है 4p,
तो कितना साल बढ़ेगा, 20 + 20 + 20, 60 साल लगेगा, 60 वर्ष लगेगा। तो इस प्रकार से ये ट्रिक था जो कि डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, ठीक है ना। चलिए इस वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। किसी मतलब साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/3 होगा, 2/3 होगा, यानी कि अगर प्रिंसिपल आप पी मानते हैं तो रेट आपको कितना मानना पड़ेगा, पी गुणे 2/3 मानना पड़ेगा। वही बोल रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, किस वार्षिक दर पर, दर पर यानी कि दर आपको पता करना है, दर आपको पता करना है, और समय कितना दिया है 10 वर्ष दिया है। तो वही बोल रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, उस धन का 2/3 होगा, यानी कि 10 वर्ष का जो ब्याज है, जो उसका धनराशि है उसका 2/3 हो जा रहा है। यानी कि SI इज इक्वल टू फार्मूला लगाइए PRT/100। तो SI की वैल्यू कितना है भाई, पी का 2/3 यानी कि 2/3 गुणे पी, पी की वैल्यू तो पी है ही, आपने माना ही है, आर की वैल्यू पता करना है हमको, और टी हमको दिया है कितना 10 वर्ष गुणे 10/100 कर लीजिए। पी से पी कैंसिल हो गया और 10 से 10 चला गया, ये 10 इधर आके गुणा करेगा, यानी कि 2/3 गुणे 10 बराबर आर। तो भाई देख लो 10 × 20, 10 × 20/3, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3%, या उसका उत्तर होगा 20/3%। देखिएगा ऐसे लगेंगे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप एक बार समझिए इस प्रश्न को, समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है, ना समझ में आता है तो एक दो बार कमेंट भी आप किया करिए, ठीक है भाई। चलिएगा इन प्रश्नों को देखिए, बिल्कुल सेम हूबहू लगेंगे आपको, और बिल्कुल भी अपने आप में हार्ड नहीं फील करना है, ठीक है ना, आपको लगाना है, बस ध्यान से देखते चलिए। नहीं आता है तो, अगर आता है तो ट्राई करिए खुद से। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किस दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगा। यानी कि यहाँ तो हमको पता चला कि रेट निकालना है, आर निकालना है भैया कितना होगा। कोई राशि साधारण ब्याज दर से किस दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, किस दर से स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, यानी कि 7/6 गुनी यानी कि अमाउंट बटे के प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 7/6, यानी कि 6 से कितना बढ़ा 1 बढ़ा तो 7 हो गया। भाई कोई वैल्यू थी पी 6 था, अब 6 का वह 7 हो गया यानी 1 बढ़ गया, 1 किस पे बढ़ा 6 पे बढ़ा, अमाउंट 7 और प्रिंसिपल 6, साधारण ब्याज 1। भाई जो बढ़ता है प्रिंसिपल पर वही तो साधारण ब्याज होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1 आ गया। पूछ रहा है हमसे 3 वर्ष लगे समय, कितने वर्ष लगे 3 वर्ष, यानी कि समय कितना है 3 वर्ष है, तो हो गया भाई यह आर है, आर निकालना है, तो SI इज इक्वल टू क्या होता है PRT/100। SI की वैल्यू कितनी है 1 है रेशियो में, पी की वैल्यू कितनी भाई, पी की वैल्यू 6 है, 6 है रेशियो में गुणे, आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता, आर निकालना है, समय कितना है टी 3 साल है 100। भैया बताओ 2 × 2 = 6 × 5 = 10 = 50, 3 × 3 = 9/50, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/9। 50/9 का मतलब 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 5 सही 5/9% होगा उत्तर इसका, 5 सही 5/9% होगा। अभी भी नहीं समझ में आया है तो ध्यान से देखना, बोल क्या रहा है, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, जो राशि थी स्वयं की 7/6 गुनी हो गई, यानी कि स्वयं की 7/6 जो प्रिंसिपल था प्रिंसिपल का 7/6 हो गया, यानी कि भैया बढ़ गया ना भाई। जब हम बोले 1/2 बताओ बड़ा है कि छोटा 1 से, तो कहोगे भाई छोटा है क्योंकि नीचे बढ़ा दिया है 2, भाई यही तो है। अगर हम कहेंगे 3/2 बताओ 1 से छोटा है कि बड़ा, तो आप कहोगे भैया वो तो बड़ा है कि 3/2, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 होता है और 1 से 0.5 बड़ा है 3/2, है ना, जितना बड़ा है 3/2 कितना बड़ा है 0.5 बड़ा है। उसी प्रकार से 6 से 7 कितना बड़ा है 1 बड़ा है, तो 6 से 7 1 बड़ा है, यानी कि जो बढ़ने वाला वैल्यू होता है ना साल दर साल जो बढ़ता है वही तो रेट होता है, तो रेट कितना आया 1 आया, प्रिंसिपल कितना है 6, अमाउंट कितना है 7, तो 6 पे 1 बढ़ा, तो यह हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में, और आर की वैल्यू हमको निकालना था, तो SI इज इक्वल टू SI की वैल्यू 1 है, P
पी की वैल्यू, पी आपने 6 है यहाँ पर पी, तो पी का 6 आर निकालना है, टी मतलब 3 साल में बटे 100 निकाल लीजिए यहाँ से आर, सिंपल था। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, देखिए प्रशिक्षु अगर आप सोचते हो किसी टॉपिक को छोड़कर चलना ना तो भाई मुश्किल है, फिर देखना इसको। एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराया, मतलब कि समय तो एक दिया है, अब यहाँ पर मैं ढूंढने लग रहा समय कहाँ पर दिया है सर, वार्षिक किराया मतलब एक साल का किराया वो बोल दिया खुद ही, वार्षिक जो किराया है उसका 40 गुना भुगतान करता है, 40 गुना भुगतान करता है, यानी भुगतान वो कितना करता था वही उसका साधारण ब्याज है, यक्स करता था, लेकिन 40 साल बाद वो कितना भुगतान करता है, 40 यक्स करता है, यानी पी की वैल्यू 40 यक्स। तो बताना क्या है, आर बताओ कितना परसेंट किया, वही पूछ रहा है, दर बता दो। तो भाई SI इज इक्वल टू पी आर टी बटे के सौ, SI की वैल्यू यक्स, पी की वैल्यू 40 यक्स, आर की वैल्यू कितनी भाई, आर की वैल्यू 40 गुना भुगतान करता है ना, 40 गुना भुगतान मतलब पहले यक्स करता था, पहले जो हमारा वैल्यू है भाई वो 40 यक्स हो गया, 40 यक्स था, अब यक्स भुगतान कर दिया तो भैया 40 यक्स बन गया वो, यानी कि वैल्यू 40 यक्स हो गया। तो ये चीज़ हमको समझना है, यानी कि जो अमाउंट आएगा हमारा वो कितना होगा, 40 यक्स प्लस यक्स, यानी कि 41 यक्स, ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। तो यानी यक्स बराबर पी की वैल्यू 40 यक्स, आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू निकालना है, अच्छा, और टी की वैल्यू कितना है, टी 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 एक साल दिया है, ठीक है, बटे 100 कर लीजिए। तो यक्स यक्स से चला गया, जीरो जीरो से गया, दो दूनी चार, दो पचे दस, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2%, यानी कि 2.5%, ठीक है ना, इतना भुगतान वो करता था सालाना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी बताना, अभी तो आज हम ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपको हेल्प करें यह पता करने में कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में SI से। तो ज़्यादातर SI से ही क्वेश्चन बनते हैं, CI से भी बनते हैं, तो उसको हम देखेंगे किस प्रकार से बनते हैं, लेकिन याद रखना ये आज आपको बेसिक से बताया गया, लेकिन इसके बाद 3 लेक्चर और आएंगे SI CI के, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। तो क्वेश्चन में हम लोग इस प्रकार से अब नहीं करेंगे कि हमको फार्मूला लगाना पड़े, बिना फार्मूले के करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको बोलते हैं ब्रिज मेथड, तो ब्रिज मेथड से करेंगे, जिसे कहीं के ब्रिज भी बोला जाता है, ब्रिज मेथड है ना, तो ट्री मेथड बोला जाता है कहीं कहीं, तो ट्री नहीं हम उसको ब्रिज बोलते हैं, तो ब्रिज मेथड से करेंगे, ठीक है ना। बताएंगे कैसे क्या होता है, उसमें दोनों चीज़ें आपके सॉल्व होंगी। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ आप निकाल रहे थे ना, अगर आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, CI SI का डिफरेंस पूछ ले, तो इस प्रकार की चीज़ें हम हैंडल करेंगे मात्र एक ही ट्रिक से, वो हर जगह अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई बहन को आमंत्रित करना आपका काम है, ठीक है, चलिए।